ऐश्वर्या, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ना सिर्फ छात्रों के लिए बल्कि टीचर्स के लिए भी रिजर्वेशन है। ऐसे में उनके लिए भी हो सकता है कि राहत की खबर हो, क्योंकि जो नई बेंच का गठन किया गया है वो दरअसल तय करेगी कि नए मापदंड अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर क्या होंगे, तो हो सकता है कि ये उनके भी हित में हो। लेकिन यार यही सवाल जो है, यही सवाल सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि जब लोग इसकी बात कर रहे हैं कि जब इस यूनिवर्सिटी की स्थापना करी गई थी 1875 में, तब यही बोला गया था कि ये बनाया इसीलिए जा रहा है। सर सैयद अहमद खान ने कहा था कि हम चाहते हैं कि जो माइनॉरिटीज हैं, जो मुस्लिम्स हैं, अश्वर्या आपके पीछे कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं, उनसे बातचीत करिए, लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, क्या किस तरीके से वो इस फैसले को देखते हैं। एक मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जब स्टैब्लिश हुआ था तब यही कहा गया था, जब इसकी नींव रखी गई थी, कि माइनॉरिटीज के लिए होना चाहिए। अब एक नई पीठ बनाई गई है, 3 जज ये डिसाइड करेंगे, तो क्या आपको लगता है माइनॉरिटी स्टेटस रहना चाहिए? देखिए, वो 3 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनली तो ये मान लिया कि एस्टैब्लिश बाय द मुस्लिम्स। एक्चुअल में वो 3 जजेस की जो रेफर हुआ है वो केस सुप्रीम, वो जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के अरुण टंडन जी ने दिया था, उन्होंने पार्लियामेंट्री उसको चैलेंज करा था कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट को यह अधिकार नहीं है कि वो किसी इंस्टीट्यूशन को डिक्लेयर करे कि वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है या नहीं है। आपके हिसाब से हमारा पास हुआ 1981 में एक्ट बाय पास बाय द पार्लियामेंट, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वही चैलेंज करा था कि पार्लियामेंट को राइट नहीं है कि वो एक्ट में ये लिख दे कि एस्टेब्लिश बाय द मुस्लिम्स। को ऐसा लगता है कि माइनॉरिटी स्टेटस को मेंटेन करना चाहिए? बिल्कुल मैडम, बिल्कुल संवैधानिक अधिकार होना चाहिए, संविधान में ये प्रोविजन दिया गया है। भाई आप देखें आर्टिकल 30 क्या कहता है, आर्टिकल 30 क्या कहता है कि जितने भी अल्पसंख्यक संस्था है, जितने भी अल्पसंख्यक है यहाँ की, वो अपने इदारे कायम कर सकते हैं, न सिर्फ कॉलेजेस बल्कि यूनिवर्सिटी भी। यहाँ जो लोग हैं उनका तो यही मानना है कि भले ही नई जज, जो नई बेंच बनाई गई है 3, उनकी डिसाइड जरूर करेंगे, लेकिन लोगों का कहना है कि अगर आप इतिहास पढ़ेंगे ठीक है, तो उसमें ऐश्वर्या हम आपके पास लौटते हैं, कनु शारदा का रुख कर देते हैं, क्योंकि जब भी ये जजमेंट पढ़ा जा रहा था उस समय कनु शारदा कोर्ट रूम के भीतर थी। तो कनु आप विस्तार से बताएं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस जजमेंट में, क्या है फैसला? राजीव, आज की जो जजमेंट है उस अगर उसको बड़े तौर पे देखा जाए तो जो अजीज बासा का जजमेंट था 1981 वाला, उसको ओवररूल किया गया है। मतलब उस जजमेंट में ये कहा गया था एएमयू जो है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है, उसको आज ओवररूल करने का मतलब ये है कि अब ये मान लिया गया है कि एएमयू माइनॉरिटी स्टेटस तो होल्ड करता ही है, पर आज जो है कोर्ट ने कुछ मापदंड एस्टैब्लिश कर दिए हैं, कोई क्राइटेरिया, नए क्राइटेरिया बता दिए हैं कि उनको ये बताना होगा कि ये लैंड जब यूनिवर्सिटी बनी थी तो किसने प्रोक्योर किया था, ये जब जो यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए जो फंड्स थे वो कहाँ से आए थे, और तमाम तरह की चीजें जब से वो एस्टैब्लिश हुई है तब से लेके आज तक क्या जो पूरी घटनाक्रम है उसमें क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे ये एस्टैब्लिश करवा पाए कि एएमयू जो है एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। तो अब जो है ये नई 3 जजेस की बेंच है वो गठित कर दी गई है, वो इसी मापदंडों के बेसिस पे डिसाइड करेगी कि क्या किसी भी इंस्टीट्यूट को किस तरह से माइनॉरिटी का स्टेटस दिया जा सकता है या नहीं। आज का जो फैसला है वो ये बड़ा मुद्दा बनेगा ऐसे तमाम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के लिए जो ये कहते, ये जो माइनॉरिटी स्टेटस के मापदंड है ये नई बेंच डिसाइड करेगी या आज डिसाइड कर लिए गए हैं? जी नहीं, हाँ, ये मापदंड आज ही डिसाइड कर दिए गए हैं। कुछ क्राइटेरिया जो बताए गए हैं, जो ऑपरेटिव पोर्शन जो कोर्ट ने सुनाया गया है उसमें जो हम समझ पाए हैं उसमें ये है कि ये यूनिवर्सिटी के लिए जमीन किसने लाई थी, फंड्स किसने दिए थे, और कैसे उस इंस्टीट्यूट को शुरुआत से बनाया गया, मतलब उसके कमेटी के मेंबर्स कौन से थे, क्योंकि जब एएमयू के केस की सुनवाई भी हो रही थी तब भी ये बताया गया था कि इसमें जो है मैक्सिमम जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी से लोग आते हैं, वो इसको होल्ड करते हैं, मतलब उनकी मैनेजिंग कमेटी को होल्ड करते हैं। तो जहां तक इसकी बात है, मापदंड तय कर दिए गए हैं, ये 7 जजेस की बेंच थी, इसलिए 4-3 से फैसला आया है, मतलब 4 जजेस ने ये तय किया है ये मापदंड कि किस तरीके से किसी भी इंस्टीट्यूट को माइनॉरिटी के स्टेटस में लाया जा सकता है या नहीं लाया जा सकता है। अब एएमयू क्या माइनॉरिटी स्टेटस रहेगा क्या या नहीं रहेगा, या उसको दोबारा से फ्रेश जो अप्लाई करना है या जो भी तय करना है वो ये नई 3 जज की बेंच करेगी, पर फिलहाल यथास्थिति बरकरार रहती है। मतलब इलाहाबाद हाईकोर्ट जो जजमेंट था वो ओवर रूल कर दिया गया है, तो अभी जो स्थिति है वो एएमयू
जो है माइनॉरिटी स्टेटस जो हट गया था वैसा ही रहता है, पर अभी उसको एएमयू को फिर से ये बताना होगा कि वो ये सारे मापदंड जो है वो इनको वो क्लैरिफाई फुलफिल करता है। देखा जाए तो पूर्ण तरीके से एएमयू खुश नहीं हो सकती है, अभी उसे नई जो बेंच गठित की गई है उसके फैसले का इंतजार करना होगा। सिर्फ एएमयू नहीं, जितने भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हैं, संस्थान हैं जो इस दायरे में आते हैं जहां पर 50% या उससे ज्यादा का रिजर्वेशन माइनॉरिटीज के लिए, उन सभी को इनके फैसले का इंतजार करना होगा और ये एक लंबी लड़ाई भी हो सकती है। कन जी नेहा, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ये एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन की बात नहीं है जो एएमयू के साथ हुआ, वो तमाम तरह के जो हमारे देश में जितने भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है उनके उनको भी ये क्लैरिटी आज के फैसले से मिल गई, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट है जो मेजोरिटी से बोलता है कि ये मापदंड फॉलो करने होंगे किसी भी इंस्टीट्यूशन को ये बताने के लिए कि क्या वो माइनॉरिटी है या नहीं। इसके लिए तमाम तरह के हम केसेस देखते हैं, जैसे ही दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन स्टार्ट होते हैं हम ये देखते हैं, बहुत सारे पिटिशंस कोर्ट में भी आती हैं इसी स्टेटस को लेके कि क्या कोई कॉलेज जो है माइनॉरिटी में स्टेटस क्लेम कर सकता है नहीं कर सकता है। ये आज का जो फैसला है उन्होंने ये आज सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया। हम लौटते हैं, मुस्लिम धर्मगुरुओं के रिएक्शन आ रहे हैं, एक बार सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी कैरेक्टर के रास्ते में जो रुकावटें थीं वो आज के इस फैसले से ख़त्म हो जाएंगी, और ख़ासकर आज के फैसले से सुप्रीम कोर्ट के अपने 1967 के फैसले को ओवर रूल कर दिया गया है। क्या लगता है साहब कि 1967 के जो फैसले को ओवर रूल कर दिया है, अब आगे का रास्ता यानी कि एमयू के और आसान हो जाएगा, क्योंकि जो डूज एंड डोंट्स हैं अगर उसके ऊपर वो मानक के अनुसार रहेगा तो माइनॉरिटी स्टेटस मिलने में तो कोई परेशानी नहीं है? नहीं, यकीनी तौर पर आज के इस फैसले के बाद हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि अब इस सिलसिले में जो भी माइनॉरिटी कैरेक्टर के सिलसिले में राहें हमवार हो गई हैं, और जो भी सुप्रीम कोर्ट इस सिलसिले में डूज एंड डोंट्स बनाए रहा है या बनाएगा उसको सही तौर पर फॉलो किया जाएगा, और अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं करार दिया जाएगा तो फिर मुल्क के किस इंस्टीट्यूशन को माइनॉरिटी करार दिया जा सकता है, और फिर मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 30 के क्या माने रह जाते हैं, ये भी एक नहायत ही अहम सवाल है। तो मुस्लिम धर्म गुरुओं को आपने सुना, और 1967 के सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले का उन्होंने जिक्र किया जब उन्होंने एक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को माना था। ऐश्वर्या का जल्दी से रुख कर लेते हैं। ऐश्वर्या, आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं जो एमयू के हैं, आप उनसे बात करें। शायद ऐश्वर्या तक आवाज नहीं पहुंच रही है। इस बीच कनू का रुख कर लेते हैं। कनू शारदा हमारे साथ जुड़ी हुई है, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को वो डिटेल में सुन रही थी। कनू, जाहिर तौर पर कई बार उंगलियां उठती हैं क्योंकि अगर कोई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है और वहां पर 50% से ज्यादा रिजर्वेशन माइनॉरिटी कैटेगरीज के रखा जाता है एक विशेष समुदाय के लिए, तो जो जनरल कैटेगरी के छात्र हैं जिनके मेरिट में भी नंबर आते हैं वो कई बार उस कॉलेज में दाखिला पाने से वंचित रह जाते हैं। ऐसे छात्रों के राइट्स को लेकर भी कई बार सवाल उठते रहे हैं, और हो सकता है नई बेंच इस बात को भी ध्यान में रखे। जी नहीं, आपका जो प्रश्न है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि जनरल कैटेगरी के लोग छात्रों के हमेशा से यही शिकायत रहती है कि उनको जो है उनका हक नहीं मिल रहा है। हालांकि यही जो आर्ग्यूमेंट है यही सेंटर द्वारा भी किया गया था सुप्रीम कोर्ट के सामने कि अगर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, कोई कहता है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है तो उसके हिसाब से ही जो सेंट्रल रिजर्वेशन पॉलिसी है वो लागू होनी चाहिए। एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को जो है वो सारे रिजर्वेशन नहीं मिलने चाहिए, पर यहीं पे आज सुप्रीम कोर्ट ने जो मानक तय किए हैं, अभी विस्तृत फैसला पढ़ना बाकी है हमारे लिए, पर जो मानक तय किए गए हैं जितना हमें पता चला है उससे हम ये एस्टैब्लिश जरूर कर सकते हैं कि एएमयू का जो रिजर्वेशन का पॉलिसी होगी ये भी अब जो 3 जजेस की बेंच होगी वो स्क्रूटनी के अंदर जरूर होगी। ये एस्टैब्लिश तो जरूर करना होगा कि कैसे जो है वो ऐसा बैलेंस बनाए कि ठीक है, लॉटिंग आपके पास करेंगे ऐश्वर्या का। ठीक है, लॉटिंग आपके पास ऐश्वर्या, बहुत बड़ा फैसला है एएमयू के लिए, तो आप अगर संभव हो तो लोगों से बात करें इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर, उनका क्या रिएक्शन, जबकि नए सिरे से भी अभी तय होगा डूज एंड डोंट्स जो कि अभी जारी होंगे कुछ समय के बाद संभवतः। जी राजीव, हमारे साथ कई सारे लोग खड़े हैं। देखिए,
एक तरफ ये कहा जा रहा है कि इतिहास के पन्ने पलट के देखना चाहिए, क्या आपको ऐसा लगता है कि आज की तारीख में भी माइनॉरिटी स्टेटस जरूरी है एमयू के लिए? मुझे लगता है कि माइनॉरिटी कैरेक्टर्स का पूरे देश में जितने भी इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, उनका इस तरीके उनका कैरेक्टर बरकरार रखना जरूरी है, क्योंकि देश विविधताओं का देश है। और जब संविधान बनाया जा रहा था तो बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि सारे जात पात धर्म के लोगों को उतनी ही आज़ादी मिलनी चाहिए जितनी की मेजोरिटी को है। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अपने एस्टैब्लिशमेंट के टाइम से और 1875 से सारे धर्म जात पात समुदाय इन सबको कैटर करते आ रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाहिद इंस्टीट्यूट है जिसमें महिलाओं का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। यहाँ एससी एसटी और डिस्टेंट स्टेट्स के सारे समुदायों का रिप्रेजेंटेशन इक्वल है। इसी वजह से मुझे लगता है कि माइनॉरिटी कैरेक्टर का सिर्फ अलीगढ़ में ही नहीं जबकि सारे देश के सारे इंस्टीट्यूशन को भी उनका माइनॉरिटी कैरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन रेगुलेशन का अधिकार हुआ जाना चाहिए। आप लोग खुश हैं आज का जो जजमेंट है? बहुत अच्छा, ये माइलस्टोन जजमेंट, हमें यही उम्मीद थी। इससे पीछे भी जो रिलेटेड इलाहाबाद का आया था वो भी, उसको भी क्वेश किया था इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने, वो भी। ये दोनों माइलस्टोन जजमेंट मुझे लगता है कि इतिहास के पन्नों में हमेशा याद किया जाएगा। लॉरेंस आपके पास एक बड़ा फैसला, लेकिन अभी थोड़ा और इंतजार एएमयू और बाकी शिक्षण संस्थानों को करना होगा जहां पर इस तरह से माइनॉरिटी रिजर्वेशन किया जाता है, क्योंकि अभी 3 जजेस की बेंच का गठन किया गया है जो डूज एंड डोंट्स डिसाइड करेगी और विस्तृत गाइडलाइंस देगी कि क्या मापदंड होंगे जिससे माइनॉरिटी स्टेटस यूनिवर्सिटीज को दिया जा सकता है।